हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अपकमिंग स्मार्टफोन के ऊपर जो नवंबर के मंथ में हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पिछले 3 महीने से बहुत से स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं सभी स्मार्टफोन ब्रांड के, तो उसी तरह नवंबर भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबसे ज्यादा कौन से स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है। दोस्तों, जो पहला फोन है वो आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord N10 5G। दोस्तों, ये 26 अक्टूबर को US में लॉन्च हो गया है। और दोस्तों, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Snapdragon 690 5G के साथ में आता है, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा से 4300mAh की बैटरी है। तो दोस्तों, ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में नवंबर के मंथ में देखने को मिल सकता है। एंड माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन, दोस्तों माइक्रोमैक्स के 2 स्मार्टफोन हमें नवंबर के मंथ में देखने को मिलेंगे, जो ऑफिशियली 3rd of November को लॉन्च होंगे, जिसमें माइक्रोमैक्स इन एंड इन 1A लॉन्च होगा। माइक्रोमैक्स इन में हमें MediaTek Helio G35 एंड इन 1A में हमें MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिलेगा। अच्छा बजट रेंज का फोन होगा, आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। लेट्स सी एट 3rd of November, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन। एंड दोस्तों, इसके अलावा एक और ब्रांड इन्फिनिक्स जिसके फोन इंडिया में लॉन्च होंगे, तो उनका नोट सीरीज या फिर हॉट सीरीज का एक स्मार्टफोन आ सकता है या फिर जीरो सीरीज का एक फोन इनमें से लॉन्च हो सकता है। एंड दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि इन्फिनिक्स 08 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है विथ MediaTek Helio G90T का चिपसेट। प्राइस अग्रेसिव होगी एंड लेट्स सी दोस्तों क्या क्या देखने को मिलता है नवंबर के मंथ में हमें इन्फिनिक्स की तरफ से। दोस्तों, अक्टूबर में वीवो ने V20 लॉन्च कर दिया और नवंबर में वो लॉन्च करने वाले हैं वीवो V20 Pro एंड वीवो V20 SE। अब दोनों एक साथ लॉन्च होगा कि नहीं ये पता नहीं, बट दोस्तों दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन डेफिनेटली लॉन्च होगा। बट रूमर्स आए हुए हैं कि वीवो V20 Pro पहले लॉन्च होगा और उसके बाद वीवो V20 SE आएगा, शायद एंड ऑफ दिसंबर में आ जाए। बट वीवो V20 Pro मिड नवंबर में लॉन्च हो सकता है, स्नैपड्रैगन 765G के साथ में लॉन्च होगा, AMOLED स्क्रीन होगा और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। बट प्राइस इंपॉर्टेंट है कि किस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च होता है। अगर अंडर 30,000 लॉन्च हुआ सो इट्स अ वेरी गुड प्राइसिंग फॉर वीवो V20 Pro। सैमसंग, दोस्तों सैमसंग की बात करें तो नवंबर के मंथ में हमें सैमसंग के M सीरीज या फिर फ्लैगशिप लेवल के कोई भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना पता चल रहा है कि A सीरीज वाले कुछ फोन्स आपको इंडिया में नवंबर के मंथ में देखने को मिल सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A42 जो उनका पहला मिड रेंज 5G फोन होगा, वो इंडिया में बताया जा रहा है नवंबर में ही लॉन्च होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर होगा। हाँ, ऑब्वियसली ये 30,000 के अराउंड आएगा, अच्छे ठीक फोन होते हैं। ए सीरीज के स्मार्टफोन ऑफलाइन में मार्केट के लिए ज़्यादा सोल्ड होते हैं, वहाँ के लिए ये ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A42 5G नवंबर के मंथ में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, रियलमी के बारे में बात करते हैं। आसम यादव के एपिसोड में उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या आपको रियलमी X1 सीरीज चाहिए, तो आई थिंक ये स्मार्टफोन आपको नवंबर के एंड में देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दिस स्मार्टफोन कि ये नवंबर में लॉन्च होंगे कि नहीं, बट ये डेफिनेटली लॉन्च होगा दिसंबर के मंथ में। और दोस्तों, अच्छे फोन से रियलमी X7 में आपको डायमेंसिटी 800U देखने को मिलता है और रियलमी X7 Pro इज बेस्ड ऑन डायमेंसिटी 1000+, सो इट्स अ वेरी गुड स्मार्टफोन एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस स्मार्टफोन। दोस्तों, Xiaomi के फोन की बात करें तो Xiaomi की तरफ से आपको Redmi Note 10 या फिर Redmi Note X देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, नाम कुछ भी है बट आपको Xiaomi की तरफ से मिड रेंज सेगमेंट में एक फोन जरूर से देखने को मिलेगा। रूमर्स आए हुए हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो MediaTek Dimensity 820 या फिर Snapdragon 750G इस प्रोसेसर पे होंगे। जो एक वेरिएंट होगा वो प्रो वेरिएंट होगा या स्टैंडर्ड वेरिएंट होगा, जो भी हो दोस्तों, बहुत से रूमर्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि ये हमें नवंबर के मंथ में इंडिया में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं पोको की। तो दोस्तों, ग्लोबली पोको के स्मार्टफोन शिप हो चुके हैं और कहा जा रहा है इट्स पोको F2 एंड इट्स बेस्ड ऑन डायमेंसिटी प्रोसेसर। तो ग्लोबली तो लॉन्च हो जाएंगे पोको F2, बट इंडिया में शायद दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकते हैं। नवंबर के मंथ में शायद ही हमें कोई पोको का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन जो हमें नवंबर के मंथ में इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप कौन से स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टेक से रिलेटेड वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों,
टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है अपकमिंग स्मार्टफोन के ऊपर जो नवंबर के मंथ में हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। दोस्तों पिछले 3 महीने से बहुत से स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं सभी स्मार्टफोन ब्रांड के, तो उसी तरह नवंबर भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने